है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट लेकर आई हूँ रिव्यू करने के लिए आप सबके लिए, जो कि है एक चम्मच। अब आप लोग सोच रहे होंगे चम्मच रिव्यू करना है क्यों भाई, तो ये चम्मच कुछ स्पेशल है जो कि हर कोई खा सकता है। सबसे बड़ी बात, एडिबल स्पून्स हैं ये और 8 डिफरेंट फ्लेवर्स में हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप चम्मच को खा सकते हैं यूज़ करने के बाद। तो ये एक बहुत ही नया कंसेप्ट है एंड बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये गुजरात के एक यंगस्टर ने ही बनाया है, क्रूबल पटेल जिनका नाम है। तो उनका कॉन्सेप्ट है एडेबल चम्मच का एंड उनका जो मोटो है वो है ये, स्टे फिट एंड हेल्दी, दैट्स आर मोटो एंड मेड इन इंडिया विद लव। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का त्रिशूला नाम से इनका ब्रांड है एंड इस तरीके का एक पेपर आया है पूरा इन्फॉर्मेशन का इसके अंदर। एंड अब अगर हम बात करें तो इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनके प्रोडक्ट के अंदर ये एक तो सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक का। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं खाने के लिए या कुछ भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं डिस्पोजेबल बर्तन, ताकि मतलब साथ में आप लेके कैरी नहीं कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा, उसकी वजह से इतना सारा हम जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक इनिशिएटिव है उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा। मतलब इट इज़ रियली अप्रिशिएबल कि इतना अच्छा इनिशिएटिव किसी ने निकाला है। एंड जो इनकी सबसे अच्छी पार्ट ये है वो ये है कि ये 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोई एडिड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी एडिड शुगर नहीं है, कोई एडिड कंसनट्रेट्स या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। 100% बायोडिग्रेडेबल है, आप उन्हें खा रहे हैं तो इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड सुप्रीमली हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। एंड साथ में ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, तो उन चीज़ों का जो भी ये फ्लेवर्स हैं उसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड अच्छी बात ये है कि ये स्टडी है, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये कितना स्टडी है। एंड जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्होंने बोला है कि वी हैव मेड श्योर कि इंग्रेडिएंट्स जो भी कटलरी में बने हैं वो टेस्ट, जो फूड का टेस्ट है उसको ख़राब ना करें, उसको ऑल्टर ना करें। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इससे आपके फूड के टेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मसाले वाला चम्मच खा रहे हैं तो वो आपके फूड का टेस्ट चेंज कर देगा, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड सबसे अच्छी बात ये कि आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हो, आप इसको एज अ कटलरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड अब आप अगर हम इसके फ्लेवर्स की बात करें तो ये 8 फ्लेवर्स के अंदर आता है, जिनमें से कि अब हम एक एक करके खोलते हैं एंड चेक करते हैं। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में ये मुझे मिला था एंड हर प्रोडक्ट अलग से ऐसे डिफरेंटली पैक्ड है, आप देख सकते हैं हर स्पून्स का अलग अलग पैकेज है। ये मैंने खोल कर देख लिया था, ये चॉकलेट फ्लेवर था, देन उसके बाद ये सिंपली सॉल्टेड है, पहले वाला था कैरम टच, एंड उसके बाद नेक्स्ट है पेपर कॉर्न, देन मसाला मैजिक, उसके बाद है हमारा मिंट वेव। ये शायद काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा क्योंकि मिंट बहुत पसंद होता है लोगों को। ये भी मिंट वेव है, आई थिंक 2 मिंट वेव आ गए हैं। एंड जो लास्ट है वो है सिंपली सॉल्टेड। तो लेट मी चेक वंस कि मेरे में कौन सा मिस हो गया है। मेरे में रूट पाउडर नहीं आ पाया है, ओके, बीट रूट वाला फ्लेवर मेरे पास नहीं आ पाया है, गलती से 2 मिंट वेव आ गए हैं मेरे उसमें। ऑल दो आई एम नॉट अ मिंट लाइक फैन, बट स्टिल कोई बात नहीं, ठीक है, इतना चलता है। अभी इन्होंने अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया हुआ है कि डिजर्ट स्पून्स भी में भी आ सकता है ये आपके पास, टेबल स्पून की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। आप सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनके प्रोडक्ट को कस्टमाइज करा सकते हैं। तो आपके घर पे अगर कोई पार्टी है, ऑफिस में कोई पार्टी है, या फिर किड्स बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ पर भी अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो आपकी तो वाह वाही होगी, क्योंकि एक नया कंसेप्ट आया है तो सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। अब मैं आपको खोल कर एक एक स्पून दिखा देती हूँ किस तरीके से। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक एक करके कि ये स्पून कैसे हैं और कितने स्टर्डी हैं एंड सब कुछ। तो करते हैं इनको ओपन, मैं सारे ओपन कर लेती हूँ एंड फिर आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये पैक में आता है एंड इसको हमें ओपन करना होता है, जिसके अंदर स्पून्स आपके आते हैं अच्छे से पैक होकर, यू कैन सी। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके सारे ही स्पून की। तो आई थिंक ये डेजर्ट स्पून है वैसे, ये मिंट वेव है, देन ये मसाला मैजिक है, देन ये है सिंपली सॉल्टेड,
बिल्कुल प्लेन सा एकदम, आप देख सकते हो ये नॉर्मल स्पून जो होते हैं वो वाला है, ये आइसक्रीम वाला स्पून है, डेजर्ट स्पून और से। तो इसके अलावा देन ये है पेपर कॉर्न, दिस इज पेपर कॉर्न, दिस इज मसाला मैजिक, दिस इज सिंपली सॉल्टेड, आई एम सॉरी दिस इज सिंपली सॉल्टेड एंड दिस इज मसाला मैजिक, ये पेपर कॉर्न है लास्ट वाला। फिर ये है कैरम टच नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है कैरम टच। आई थिंक कैमरा में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट यहाँ से अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो इसमें आपको कैरम दिखाई देंगे, कैरम मतलब अजवाइन जिसको बोलते हैं ना वो है ये। सो देन इसके बाद ये है हमारा चॉकलेट फ्लेवर, एंड मेरे साथ थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई है कि मेरे पास सिंपली सॉल्टेड एंड वो आपका मिंट वेव दो बार आ गया है इंस्टेड ऑफ बीटरूट वाला एंड एक और फ्लेवर था कोई, उनकी जगह पर मेरे पास गलती से दो आ गए हैं। तो मैं आपको फिलहाल यही दिखा देती हूँ जो मेरे पास हैं, बाकी मैं आपको इमेज रेफरेंस इमेज अटैच कर दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। एंड मैं तो कहूँगी कि किसी पार्टी वार्टी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, एंड आप भी अपने लिए मंगा सकते हैं अगर आप डेली मेट्रो वगैरह में भी ट्रेवल करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक मुझे काफ़ी पसंद आया। प्राइस मैं इसका अटैच कर दूँगी नीचे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसका प्राइस अभी, तो मैं बता दूँगी आपको कि आपको अप्रॉक्सीमेटली पर स्पून कितना पड़ेगा। आप दो तीन फ्रेंड्स मिलकर भी मंगा सकते हैं आई थिंक, क्योंकि ज़्यादा मंगाएंगे तो शायद थोड़ा ज़्यादा बेटर प्राइस पड़ेगा। तो आप ये ओके देन ये मिंट वेव एंड ये मिंट वेव दोनों मतलब डिफरेंट टाइप के स्पून्स हैं, डिज़ाइन दोनों का सेम मतलब मटीरियल फूड जो भी इनका इंग्रेडिएंट है वो सेम है बट डिज़ाइन दोनों का अलग अलग है। ये लास्ट है हमारा चॉकलेट वाला जो कि मैं आपको बताना ही भूल गई थी क्योंकि मैं ये ऑलरेडी एक बार पहले खा चुकी थी। यस एंड सिंपली सॉल्टेड में भी इन्होंने मुझे दो भेजे हैं तो ये कोई गलती से नहीं हुआ है, इन्होंने यही वाले मुझे फ्लेवर्स भेजे हैं, एक सिंपली सॉल्टेड ये एक सिंपली सॉल्टेड ये। तो अब हम लोग ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कुछ चीज़, इसको यूज़ करके देखते हैं एक बार कि ये कितना स्टर्डी है स्पून, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पर इसको साइड में रख देते हैं तब तक मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ इन जनरल, खाने में बहुत टेस्टी है ये। मैंने अभी जो खाया है ये सिंपली सॉल्टेड था एंड ये मसाला वाला है, ये भी काफी अच्छा है खाने में। तो अगर हम इससे कोई चीज खाते हैं तो ये ऐसे उससे टूटता नहीं है, गलता नहीं है, ये बिस्किट वगैरह की तरह नॉर्मली एक स्पून की तरह ही, आई एम सो भुक्कड़। तो नॉर्मली आप एक स्पून की तरह से ही इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बट जब आप इसे नॉर्मली अगर खाना चाहें, इसका बैक साइड कंपैरेटिवली थोड़ा कम स्टर्डी है बट आगे से तो ये बहुत ज़्यादा स्टडी है और आप आराम से खा पी कर अपना पूरा अच्छे से और उसके बाद इसको खा सकते हो। तो ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4-5 मिनट तो इसको इसमें डूबे हुए हो ही गया था, तो ये बहुत नॉर्मल चल रहा है एंड ये ज़रा सा भी अभी तक टूटा नहीं है कहीं से, दांत से भी इनफैक्ट ये टूट नहीं रहा है इतनी ईजिली। तो आई रियली फाउंड दिस कॉन्सेप्ट नाइस एंड आपको मैं बोलूँगी कि आप इसे एक बार एटलीस्ट ट्राई करके ज़रूर देखें, और अगर आपने इस वाले हेयर स्टाइल का वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख लो, मेरे चैनल पर ही है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना सबके साथ। बाय बाय, टेक केयर।